हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका डेटा बहुत जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है। इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स और फ़ोन की कुछ सेटिंग ऐसी हैं जो सिर्फ एक बार करने पे ही आप हमेशा के लिए अपना डेटा बचा सकते हो। आप चाहे जियो यूज़र हो, एयरटेल हो, कोई भी सिम हो, सिर्फ फ़ोन की चाहे कोई भी फ़ोन हो, सिर्फ कुछ सेटिंग है ऐसी जिन्हें आप करके आप हमेशा के लिए अपना डेटा बचा सकते हो और लंबे टाइम तक अपना फ़ोन आप चला सकते हो। इसके लिए डेटा के लिए हम पैसे भरते हैं और हमारा डेटा हमेशा चोरी हो जाता है। और आपको GB MB नहीं, एक एक KB का आपको हिसाब रहेगा कि आपने कहाँ पे क्या क्या खर्च किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल साइबर सिल्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो सैमसंग में आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिंग मिल जाएगी। जैसा कि आप चले जाइए, आपको सिर्फ सैमसंग में मिलेगा अल्ट्रा डेटा सेविंग का नोटिफिकेशन में। आप ढूंढ लीजिए अल्ट्रा डेटा सेविंग, तो इसे आप ऑन कर लो। तो जैसा कि मैंने ऑन कर दिया, नीचे मुझे क्रोम एप्लीकेशन सेट है, तो मुझे क्रोम में ही बैकग्राउंड में डेटा मिलता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ और एप्लीकेशन भी सेट कर सकते हो, जिन्हें व्हाट्सएप वगैरह आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आप चले जाइए डेटा पे, डेटा पे कनेक्शन पे 3 सेकंड तक जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा सेवर। तो डेटा सेवर को आप ऑन कर लीजिए। इस पर भी ऐसे ही कुछ नीचे एप्लीकेशन आप सेट कर लो जिन्हें आप बैकग्राउंड में पावर देना चाहते हो। तो इन्हें सेट करने के बाद आप चले जाइए यूट्यूब की सेटिंग पे। YouTube की सेटिंग पे जाने के बाद दूसरे नंबर पे आपको मिल जाए जनरल के नीचे आपको मिल जाएगा डेटा सेविंग का एक ऑप्शन। इसे सबको आप ऑन कर लीजिए और उसके बाद वीडियो क्वालिटी पे चले जाइए जो कि चौथे नंबर पे है। तो इस पे आप डेटा सेवर को ऑन कर लो और उसके बाद आप चले जाइए फेसबुक पे। फेसबुक पे जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के ऊपर क्लिक करने से नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के बाद नीचे एक डेटा सेवर का ऑप्शन मिलता है और ऊपर वाले में मिलता है पिक्सल्स कम करने का ऑप्शन, क्वालिटी कम करने का ऑप्शन। तो उसके बाद आप चले जाइए व्हाट्सएप सेटिंग पे, स्टोरेज एंड डेटा पे चले जाइए। उसके बाद आप देख लीजिए नीचे जो 3 मिले होंगे, मीडिया, ऑटो डाउनलोड, इन तीनों को आप अनचेक कर लीजिए। अगर किसी पे टिक है तो आप हटा दो तीनों पे, नीचे भी ऑन वाईफाई, ऑन रोमिंग, वैन रोमिंग, इन तीनों पे आप अनचेक कर लो ताकि कोई भी ऑटो डाउनलोड ना हो। उसके बाद आप चले जाइए, जब आप फेसबुक को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को तो इसकी सेटिंग मिल जाएगी। सेटिंग में जाने के बाद आप चले जाइए मोबाइल डेटा पे। मोबाइल डेटा पे जाने के बाद आप देख लीजिए कहीं इसको बैकग्राउंड ऑन तो नहीं है। अगर है बैकग्राउंड प्रोसेस ऑन तो इसे आप बंद कर लीजिए ताकि बैकग्राउंड में कोई भी डेटा खर्च ना हो, क्योंकि फेसबुक पे स्टोरीज डाउनलोड होती रहती है, ऑटो डाउनलोड होती रहती है और आपका डेटा खर्च होता रहता है। सभी एप्लीकेशन को इसी तरह बंद कर लें और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट। ये ऐप आपको टाइम टू टाइम इंडिकेट करती रहेगी कि अभी तक आप कितना डेटा यूज़ कर चुके हो और कितना मौजूद है, और आपकी इंटरनेट स्पीड भी आपको बता देगी। बिल्कुल लाइट एप्लीकेशन है, 2-3 MB की है। जो मैंने ट्रिक्स इस वीडियो में बताई है सभी फ़ोन्स में, हर कंपनी के फ़ोन्स में बिल्कुल सेम काम करेगी, बिल्कुल सेम सेटिंग है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें।